So class 12th, good morning to all of you. So today I will start the question number 16, cash flow from operating activity. This is question number 16. You know very well net profit before tax, operating activity, non-cash expenses, non-operating income, and decrease in CA, increase in CL, increase in CA, and decrease in CL. So less tax paid, cash inflow, oblique outflow from operating activity. The most important thing, calculation of net profit before tax. So profit plus GR plus proposed dividend previous year, proposed dividend previous year, interim dividend during the year, provision for tax current year, refund of tax. ठीक है, minus करते हैं, अब इसके बाद देखते हैं. एक profit loss given है from the following statement of profit loss for the year ended 31st March 2018. Calculate the amount of cash generated from operating activity. तो revenue from sales, sales का part इसमें नहीं जाता है. अगर इनकम भी नहीं जाएगा, एक्सपेंसेस में देखते हैं, परचेज भी नहीं जाएगा. हाँ, चेंज इन इन्वेंट्री, लास्ट ईयर 85,000 की थी क्लोजिंग इन्वेंट्री, कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, कह रहा है 85,000 की आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, पिछले साल की इन्वेंट्री है, और इस साल की इन्वेंट्री कितनी है, 1 लाख रुपीज. तो इन्वेंट्री जो होती है, स्टॉक जो होती है, वो करंट एसेट्स होती है. तो 15,000 से आपका स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन्वेंट्री, ठीक है, और लेस का साइन 15,000, कुछ नहीं कर रहा है, बस एंट्रीज कर देनी है. नेक्स्ट है, इसमें इस क्वेश्चन में ना तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से मतलब है, ना अदर इनकम से, ना टोटल रेवेन्यू, ना परचेज से. चेंजेस इन इन्वेंट्री से हमारा मतलब है, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस से कोई मतलब नहीं है. डेप्रिसिएशन टू नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, नीचे दिया है नोट्स टू अकाउंट में, डेप्रिसिएशन है 60,000 का. सो डेप्रिसिएशन होता है नॉन कैश आइटम, तो 60,000 आप सीधा सीधा प्लस करेंगे. फिर गुडविल राइट ऑफ, तो गुडविल कितनी आपको गिवन है, गुडविल क्वेश्चन में दी हुई है, गिवन है ऑलरेडी 40,000 की आपके पास गुडविल, ठीक है, तो 40,000 आप गुडविल प्लस कर देना. नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद कह रहा है अदर एक्सपेंसेस 3 नंबर, ना तो रेंट है, ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, इसको टच नहीं करेंगे, इंश्योरेंस भी प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे प्रॉफिट लॉस के पार्ट है, इनको आप भूल के भी टच नहीं करेंगे. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी से हमारा मतलब है, लॉस कितना हो रहा है, 12,000, तो लॉस कहाँ जाता है, नॉन कैश आइटम, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 12,000 रुपीज़, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं. यहाँ दे रहा है शेयर इशू एक्सपेंसेस, ठीक है, तो शेयर इशू एक्सपेंस जो है वो सीधा सीधा पार्ट होता है आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस का, ठीक है. तो शेयर इशू एक्सपेंसेस, ठीक है, ये भी प्लस है, जितने भी राइट ऑफ हैं, जितने भी शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए, डिस्काउंट राइट ऑफ हो गया, ये सारी चीजें इसमें जाती है. तो आपका 15,000 रुपीज आपका शेयर इशू एक्सपेंसेस. इसके बाद बात करते हैं लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है. सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या जाएगा वो चेक कर लेते हैं हम लोग. नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या जाएगा, अभी है कि नहीं वो देख लेते हैं. तो नीचे कह रहा है नेट लॉस है 50,000 का, इसमें ना तो जनरल रिजर्व है, ना तो प्रपोज डिविडेंड है, ना तो इंट्रिम है, ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स, देख लेते हैं है कि नहीं है. प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है. एक चीज़ है, अदर इनकम में आपकी डिविडेंड रिसीव है, ठीक है. अगर अदर इनकम में आपका डिविडेंड रिसीव है तो वो होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम. एक नंबर दिया हुआ है तो हम यहाँ मान लेंगे कि डिविडेंड रिसीव है. वो कितना रिसीव है, यानी डिविडेंड रिसीव आपको हो रहा है टोटल 60,000 का, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है. फिर देखते हैं नेट लॉस आ रहा है हमारा 50,000 का, ठीक है. तो 50,000 रुपीज़ नेट लॉस यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे नेट लॉस, ठीक है, नेट लॉस. तो आपका ये फिगर यहाँ पे आ गया 50,000. अब देखते हैं प्लस माइनस करने पे क्या फिगर आ रही है, ठीक है. बाकी है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी या प्रीपेड इंसर, तो ये मान लेंगे ये इंक्रीज कर रही है, ठीक है. अगर कुछ भी नहीं दिया है तो ये मान लेंगे इंक्रीज कर रही है. आउटस्टैंडिंग वेजेस बढ़ रही है, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है करंट लाइबिलिटी, 40,000 से आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है. सो हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, कितनी है आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी, 40,000,
तो इसको सीधा सीधा प्लस में करना है। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 इंक्रीज कर रही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 से फिर देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में 3,000 इंक्रीज होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस सीधा सीधा 3,000 से। कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेंगे 3,000 से इंक्रीज हो रहा है तो ये माइनस में जाएगा इंक्रीज इन सी। बाकी कुछ तो बचा नहीं है मेरे ख्याल से। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कैलकुलेशंस। तो यह पहले हम यहाँ तक का कैलकुलेशन कर लेते हैं 60,000 40,000 ये 60,000 40,000 12,000 15,000 ठीक है 1,27,000 आ रहा है यहाँ से। फिर आप इसमें से माइनस कर दोगे 50,000 तो यहाँ तक का टोटल आएगा 77,000। फिर यहाँ पे आप 77,000 माइनस 60,000 करोगे तो आपका 17,000 प्लस में फिगर आएगी। यहाँ लिखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो ये काम कर देना है। इसके बाद देखेंगे 17,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 माइनस 18,000 तो आंसर क्या आ रहा है 69,000 रुपीज़। आप पहला काम इसको प्लस कर ले, प्लस करके इसमें से ये माइनस कर दीजिएगा। अगर फिगर प्लस में है फिर प्लस से माइनस करिएगा 17,000 आएगा। फिर ये भी हमारा प्लस में था और ये भी प्लस में था, इसमें ये ऐड कर दीजिएगा। फिर ये माइनस में है, ब्रैकेट मींस माइनस, कोई डिक्रीज नहीं था, कोई टैक्स नहीं था, तो कैश क्या हो गया, इनफ्लो हो गया है 69,000 से। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। 17 लगाइएगा, बिल्कुल सेम है, वैसे ही है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके बाद का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18A, ठीक है। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 18A? सो आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर 18A। सो क्लास 12th अगेन आई विल स्टार्ट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 18A, क्वेश्चन नंबर 18A, ठीक है। 18A क्या कह रहा है? 18A कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, करंट ईयर का बैलेंस गिवन है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 8 लाख आपका प्रीवियस ईयर में था, प्रीवियस ईयर 5,50,000 था, इस साल 8 लाख आ गए, तो 8 लाख माइनस 5,50,000, तो आपके पास जो 2,50,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पोस्ट कर देना। फिर जनरल रिजर्व की बात कर लेते हैं, क्या इसमें जनरल रिजर्व है? गिवन है जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड है नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है। इनकम टैक्स प्रोविजन मेड, देखिए इनकम टैक्स प्रोविजन की बात इस क्वेश्चन में ना तो ये कह रहा है, ना तो प्रीवियस ईयर है, ना तो करंट ईयर है, तो हम क्या करेंगे, टैक्स पेड यानी एक जगह प्लस करेंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस करेंगे। तो 1,50,000 यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर मान करके प्लस करेंगे और यहाँ पे सीधा सीधा टैक्स पेड माइनस कर देंगे लास्ट में, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा तो उस हिसाब से हम करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, इंटरिम नहीं है, प्रपोज रिफंड ऑफ टैक्स भी नहीं है, ठीक है। सो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है अब, तो 2,50,000 प्लस 50,000 माइनस 1,50,000 तो आपका हो जाएगा टोटल 1,50,000, ठीक है। सो आपके पास 2,50,000 ये 3 लाख रुपीज़ का ये हो जाएगा प्लस 1,50,000 तो आपका टोटल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आइएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 4,50,000 प्लस कर दीजिएगा। फिर हम आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी इसमें कह रहा है आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, अमाउंट जनरल रिजर्व भी हो गया, इनकम टैक्स भी हो गया, डिस्काउंट राइट ऑफ, यानी डिस्काउंट राइट ऑफ कितना गिवन है क्वेश्चन में, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स है 10,000 रुपीज़, राइट एंड ऑफ की जितनी चीज़ें होती हैं वो यहाँ जाती हैं, डिस्काउंट राइट ऑफ 10,000 रुपीज़, कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा नॉन कैश में प्लस कर देना है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 1-4 में दिया है 8,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1-4 में आया है तो इस साल कुछ था नहीं, तो 8,000 रुपीज़ से हमारा क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, डिक्रीज हो गया, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे पोस्ट करिएगा डिक्रीज इन सीए, डिक्रीज इन सीए में प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000 रुपीज़, तो
यहाँ पे आइएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है? प्रीपेड एक्सपेंसेस टोटल 8,000 रुपीज़। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं हम लोग कह रहा है कि लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000 रुपीज़। तो लॉस आपको पता है सीधा सीधा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। कितने का है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर? 1,000 रुपीज़। ठीक है, फिर आते हैं बात करते हैं हम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 4,000। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यही जाएगी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो कितना जाएगा? 4,000 रुपया। ठीक है, तो 4,000 रुपीज़ टोटल जाएगा। अब इस लेस्ट चेक करते हैं, टोटल 4,50,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 माइनस 4,000 प्लस 8,000, तो टोटल आ जाएगा 4,65,000 माइनस 1,50,000, तो आपका 3,15,000 रुपीज़। मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल आपके पास जो प्लस में आया, यानी प्लस में आएगा कितना पैसा आपके पास? 4,50,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 माइनस 4,000 और प्लस 8,000, तो 4,65,000 माइनस 1,50,000, तो आपका हो जाएगा 3,15,000 कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि फिगर प्लस में आ गया। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस देख लेते हैं कितना है। 4,50,000, 10,000, ठीक है, और प्लस 1,000 प्लस 4,000, तो आपका 4,65,000 आपका नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस होगा। ठीक है, इसके बाद डिक्रीज इन सीए, इंक्रीज इन सीएल नहीं था तो ब्लैंक कर दिया, इंक्रीज इन सीए भी नहीं था, डिक्रीज इन सीए दिया है। ठीक है, सो इसमें एक नई चीज़ थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन 1/4/2010, तो ये जो है प्रीवियस ईयर की फिगर है तो इसको ओपनिंग फिगर मानेंगे, यानी ओपनिंग में प्रीवियस ईयर में ये था 8,000, इस साल कुछ भी नहीं था, तो हम ये मान लेंगे कि डिक्रीज इन सीए हो गया, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 18 भी आप कर लीजिएगा, होमवर्क है आपका। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिंग। सो क्लास 12th, वंस अगेन आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपका 18 भी होमवर्क हो जाएगा, 18 ये हमने करा दिया है, सेम क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है आपके पास, इसमें एक 18 बी में एक टॉपिक है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो आप कुछ नहीं, राइटिंग ऑफ अगर होगा तो नॉन कैश एक्सपेंसेस में प्लस कर दीजिएगा, बाकी कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सीधा मतलब होता है फिक्स एसेट से, फिक्स एसेट्स रिसीव से। ठीक है, और फिक्स एसेट्स परचेज से, सोल्ड से, क्या क्या जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? परचेज ऑफ सेल ऑफ फिक्सेस, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑन फिक्स एसेट्स, ये सारी चीज़ें जाएंगी। फिर आपका जाएगा डिविडेंड रिसीव, अगर वर्ड दिया है कमीशन रिसीव दिया है तो कुछ नहीं सोचना है, सीधा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो चलते हैं देखते हैं क्या है। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 5,00,000। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहा है और सोल्ड दिया, पहले से ही बता दिया है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाएगा। तो परचेज ऑफ लैंड, यानी परचेज करते हैं फिक्स एसेट से सारा पार्ट, सीधा जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, तो फिगर होगी माइनस में। ठीक है, हमने कर दिया माइनस में। ठीक है, 5,00,000। फिर देखते हैं मशीनरी परचेज कर रहा है 3,40,000 की, तो परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, कितने की मशीनरी परचेज किया? टोटल मशीनरी परचेज किया 3,40,000। कोई भी चीज़ अगर हम परचेज करते हैं तो पैसा जाता है तो सीधा माइनस। इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का परचेज किया है इन्वेस्टमेंट ये देखना है, यानी इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहा है 4,10,000 का, तो फिगर पैसा जाएगा सीधा है। फिर उसके बाद मशीनरी को सोल्ड ऑफ भी कर रहा है, तो सेल ऑफ मशीन, कितने की मशीन सोल्ड ऑफ कर रहा है
ये कर रहा है मशीनरी सोल्ड ऑफ 4,50,000 पैसा आएगा तो प्लस। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट को सोल्ड ऑफ कर रहा है तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना सोल्ड ऑफ कर रहा है, आई थिंक 1,50,000 रुपीज है, ठीक है। फिर पेटेंट्स को सोल्ड कर रहा है जो कि हमारी फिक्स एसेट्स है तो सेल ऑफ पेटेंट कितने की है, 50,000। अगर हम कोई भी चीज सोल्ड करेंगे तो वो सीधा सीधा प्लस में जाएगी, परचेज करते हैं तो पैसा जाता है तो वो सीधा क्या हो जाएगा, माइनस। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं रिसीव वर्ड। कह रहा है नीचे डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर हेल्ड ऑन एज इन्वेस्टमेंट। आपने कंपनी ने शेयर्स पर पैसा लगाया था सेकंड कंपनी पे, ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, जो कि आपने इन्वेस्ट किया था तो आपको आपके लिए क्या है, वो फायदा है, ठीक है। सो जो रिसीव वर्ड होगा डिविडेंड रिसीव, ठीक है। सो डिविडेंड रिसीव जो हम लोग करेंगे उसका जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए डिविडेंड रिसीव का 10,000 रुपीस, ये आपका प्लस में हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, ये 8,000 की फिगर है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर्स ये आपका सीधा चला जाएगा प्लस में। रिसीव जितने भी होंगे वो प्लस में जाएंगे। नेक्स्ट डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, देखिए आज आपसे एक चीज डिस्कस करनी है हमको, ठीक है। सो वो क्या है, वो ये है कि अगर पेड वर्ड होता है इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड, ठीक है, तो आप लोग दिखाते थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश आइटम में वहां प्लस करते थे, पेड वर्ड समझिएगा, पेड वर्ड होगा तो नॉन कैश एक्सपेंसेस में प्लस करोगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें माइनस करेंगे। इसके बाद की एक्टिविटी है फाइनेंसिंग, तो वहाँ पे पेड वर्ड जो है डिविडेंड पेड इंटरेस्ट पेड आप लोग नॉन कैश एक्सपेंसेस में प्लस करते हैं फिर फाइनेंसिंग में ले जाके माइनस करेंगे। और रिसीव वर्ड की बात हो रही है तो हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम में उसको लेस करते हैं डिविडेंड रिसीव, और इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे प्लस, इंटरेस्ट रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम में प्लस माइनस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस इंटरेस्ट रिसीव और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, तो दो जगह ट्रांजेक्शन होता है इसका। अब देख लेते हैं प्लस में आ रहा है कि फिगर माइनस में आ गई। तो सेकेंड एक्टिविटी आप पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो प्लस में है उनको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो 4,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 रुपीज माइनस, यहाँ पे आ रहा है 6,68,000, ठीक है। 5,00,000 क्या यूज्ड हुआ है, चलिए आपका जो प्लस फिगर आ रही है 6,68,000 रुपीज है, ठीक है। तो 4,50,000 एक बार चेक कर लेते हैं वंस अगेन, तो 50,000 प्लस 18,000 तो आपका आ जाएगा 6,68,000, 5,00,000 प्लस 3,40,000 प्लस 4,10,000 तो आपका माइनस ज़्यादा है, यानी परचेस की फिगर ज़्यादा आ रही है और सेल की फिगर कम आ रही है, तो इसका मतलब है कैश यूज्ड हुआ है 5,82,000 का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, डिविडेंड पेड तो आप दिखाओगे नहीं इसमें, तो एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं इसको, 5,00,000 प्लस 3,40,000 प्लस 4,10,000 तो फिगर आएगी 12,50,000, ठीक, माइनस 6,68,000 5,82,000। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इधर देख लेते हैं 1,50,000 50,000 10,000 8,000 2,18,000 4,50,000 1,50,000 50,000 18,000 4,70,000। सो क्लास 12th ये एक फिगर चेंज कर लीजिएगा, सेल ऑफ पेटेंट की है 60,000 है, गलती से 50,000 पोस्ट हो गया था, ठीक है। तो आपकी जो माइनस की फिगर है यहाँ से यहाँ तक की फिगर वो आ रही है
माइनस 12,50,000 और यहाँ से यहाँ तक की फिगर आ रही है आपकी प्लस वाली 6,78,000। तो आपकी माइनस फिगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कैश इन आउटफ्लो हुआ है। आउटफ्लो कितना हुआ है? 12,50,000 माइनस 6,78,000, तो आपका आ जाएगा आउटफ्लो हुआ है कैश। यहाँ लिखेंगे आप, यू हैव टू राइट हियर, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, सो ये आज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 आपका ख़त्म हो गया, हमने स्टार्ट कर दिया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये एक बहुत इजी सा क्वेश्चन था क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, 20 क्वेश्चन सेम है, कर लीजिएगा। 21 में आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 21 भी, और फिक्स एसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो उसको चेक कर लेते हैं एक बार।